जो मानसून में जो अमूमन जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि हम लोग प्री डिप्लॉयमेंट करते हैं, अर्थात पहले से ही हम लोग अपने जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको पोजीशन कर देते हैं। तो इसी तरह इस साल भी हम लोगों ने प्री पोजीशनिंग की कार्रवाई शुरू कर ली है। उदाहरण स्वरूप असम में जहाँ जहाँ प्री पोजीशनिंग होना है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ परामर्श करके प्री पोजीशनिंग की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। बिहार में बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में प्री पोजीशनिंग हो जाएगा और अन्य जो राज्य हैं जिन्होंने प्री पोजीशनिंग के लिए रिक्वेस्ट किया है, अनुरोध किया है, वो भी हो जाएगा। तो इसलिए मानसून की जो कार्रवाई होती है वो मेनली प्री पोजीशनिंग की होती है और वो हम लोग आने वाले कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। इक्विपमेंट को बेहतर बनाना एक सतत कार्रवाई होती है और उसको लगातार जारी रखना पड़ता है और उसको हम लोग बेहतर से बेहतर करने में लगे हुए हैं। कुछ इक्विपमेंट का पावर मुझे ही है कि डीजी एनडीआरएफ इसको अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन जो पावर मेरे हक में नहीं है और जो केंद्र सरकार के तहत होना है उसकी भी प्रक्रिया चालू है और मुझे लगता है आने वाले कुछ ही महीनों में जो नए इक्विपमेंट के ऑथराइजेशन वो भी हमें मिल जाएगी। आम आदमी ही सबसे बड़ा कारक होता है आपदा प्रबंधन में और आपदा से बचाव में। जब आम आदमी को ये मालूम रहता है कि आपदा से बचाव अपने आप को कैसे करना है तो अपने आप ये बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ या स्टेट के फोर्सेस का काम अपने आप कम हो जाता है। अर्थात जो जागरूक जनता है वो अपने आप में एक दीवाल की तरह खड़ी हो सकती है आपदा के खिलाफ।